नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आर्य मित्र सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा, ई मित्र पर एपीएस सर्विस को चालू कर दिया गया। अब आप भी ई मित्र पर एयर पे एपीएस के माध्यम से किसी भी कस्टमर के आधार कार्ड से पैसे निकाल पाओगे। तो यहाँ पर मैं आज आपको बताऊंगा कि आप एयर पे एपीएस से आधार कार्ड से किसी भी कस्टमर के पैसे कैसे निकाल सकते हो। आपको पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा, जिससे आप भी किसी भी कस्टमर के आधार कार्ड से अपने ई मित्र के माध्यम से पैसे निकाल पाओगे। तो उसके लिए मंसूड़ो के साथ, उससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सर के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको अपना ई मित्र आपको लॉगिन कर लेना। ई मित्र लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च बार में आपको टाइप कर देना एयर पे। इस तरीके से आपको यूटिलिटी पर क्लिक करने के बाद में आपको सर्च बार में आपको टाइप कर देना एयर पे। जैसे आप एयर पे टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ऊपरी पर आपको देखने को मिल जाएगी एयर पे एपीएस कैश विड्रॉ, ये सर्विस आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो इसका मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा, वीडियो देख के इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में एम पिन कैसे बनाओगे पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता रखा, आप वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद में आप इसमें किसी भी कस्टमर कैसे पैसे निकालोगे, उसके लिए आपको करना है एयर पे एपीएस कैश विड्रॉ, सिंपली इसी पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरीके से आपको जैसे आपको देखने को मिलेगा तो आपको करना है यहाँ पर आपको अमाउंट आपको डाल देना, जितना भी आपको यहाँ पर पैसा निकालना है। यहाँ पर 100 रुपये से यहाँ पर 10,000 रुपये तक आप निकाल सकते हो। जैसे मैं 100 रुपये यहाँ पर डाल देता हूँ तो आपको यहाँ पर मिनिमम 100 रुपये और यहाँ पर मैक्सिमम आपको यहाँ पर 10,000 रुपये निकाल सकते हो। उसके बाद में आपको करना है गेट बिल डिटेल पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरीके से आपको यहाँ पर डिटेल आपको देखने को मिलेगा, आपका नाम, आपके क्यूएसओ कोड, उसके बाद में ये सेटलमेंट अकाउंट नंबर आपको देखने को मिलेंगे जो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया होगा, इसका वीडियो मैंने कंप्लीट बना रखा। उसके बाद में यहाँ पर आईएफएससी कोड आपको देखने को मिलेगा इस बैंक के, इसमें आपका यहाँ पर पैसा यहाँ पर सेटलमेंट होगा। उसके बाद में आपको करना है सिंपली एड बिल फॉर पेमेंट, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद में आपको दिखा देगा बिल पे, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे आपको देखने को मिलेगा, आप चाहो तो यहाँ पर कस्टमर के मोबाइल नंबर डाल सकते हो, इस तरीके से ईमेल आईडी भी डाल सकते हो। उसके बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना। कंटिन्यू पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा सा आपको वेट करना, वेट करने के बाद में आपको इस तरीके से आपको यहाँ पर डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, तो आपको सेलेक्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एपीएस पावर्ड बाय एयरपे, सिंपली इसको चूज आपको कर लेना। उसके बाद में आपको दिखाई देगा पे नाउ, सिंपली इसी पर आपको क्लिक कर देना। पे नाउ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो एयरपे यहाँ पर व्यापार का आपको इस तरीके से डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा तो आपको करना है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जिस भी कस्टमर के आपको पैसे निकालने हैं उसके आपको यहाँ पर आधार नंबर आपको टाइप कर देने हैं, उसके बाद में कस्टमर के आपको मोबाइल नंबर, उसके बाद में हमारा अमाउंट आपने पहले यहाँ पर डाल दिया तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको बैंक आपको चूज करना, जिस भी बैंक से आपको यहाँ पर पैसे निकालना। उसके बाद में यहाँ पर रिमार्क में आप कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर यस आप टाइप कर दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, आपको मैं यहाँ पर आधार नंबर आपको टाइप कर देना। इस तरीके से यहाँ पर कस्टमर के आपको यहाँ पर आधार नंबर आपको टाइप कर देना। इस तरीके से मैं यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, इस तरीके से आपको भी यहाँ पर आधार नंबर आपको टाइप कर देना। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको टाइप कर देना, इस तरीके से यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर कौन सा बैंक आपको, यहाँ पर सारे के सारे बैंक आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको बैंक आपको चूज कर लेना। उसके बाद में रिमार्क में आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको यस आपको कुछ भी इस तरीके से आपको टाइप कर देना। उसमें उसके बाद में आपको करना है आई एग्री, यहाँ पर चेकबॉक्स पर आपको टिक मार आपको लगा देना। इस तरीके से आपको सारे के सारे आपको डिटेल आपको फिलअप कर देनी। उसके बाद में सिंपली आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना। नेक्स्ट पर आप जैसे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा आपको वेट करना, वेट करने के बाद में इस तरीके से आपको थोड़ा सा आपको वेट कर लेना। वेट करने के बाद में आपके यहाँ पर जो भी आपके डिवाइसेस के आपके यहाँ पर लाइट जल जाएगी, आपको कस्टमर का आपको फिंगर आपको लगवा लेना। इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर फिंगर लगा दिया तो आपको फिंगर लगाने के बाद में आपको थोड़ा सा आपको वेट करना। वेट करने के बाद में आपका सक्सेसफुली आपका ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, आपको रसीद भी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे अपने यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वेट करने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रोसेस आपको लेगा। उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए आपका अमाउंट यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से देख लीजिए एयर पे पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड सक्सेसफुली यहाँ पर 100 रुपये यहाँ पर अमाउंट इस तरीके से। और उसके बाद में चाहो तो आप यहाँ पर इसकी रिसिप्ट यहाँ पर प्रिंट यहाँ पर रिसिप्ट कर सकते हो। इस तरीके से जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर रसीद भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो आप इस तरीके से यहाँ पर किसी भी कस्टमर के पैसे निकाल सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो आप यहाँ पर पैसा निकालोगे इसका मैं आपको बताना चाहूंगा अगले आपके यहाँ पर
अगले दिन आपका जो भी यहाँ पर बैंक आपने पर रजिस्ट्रेशन करते समय यहाँ पर लिंक किया था उसमें यहाँ पर इसका पैसा यहाँ पर सेटलमेंट हो जाएगा, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आप इस तरीके से यहाँ पर पैसा निकाल सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन इस सर्विस में आपको यहाँ पर इस तरीके से डैशबोर्ड में आपको देखने यहाँ पर अलग से आपको मिलना चाहिए था। मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे अपन और यहाँ पर जैसे आई टी से अपन काम करते हैं और ए पी एस से अपन काम करते हैं तो वहाँ पर अलग से यहाँ पर ट्रेड वॉल्यूट इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलता, तो जैसे यहाँ पर इसमें देखने को नहीं मिलता तो अपन को यहाँ पर थोड़ा पता नहीं रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया जाना चाहिए। इसमें यहाँ पर जो भी अपन यहाँ पर पैसे निकालते हैं उसको यहाँ पर तुरंत वहाँ पर सोना चाहिए, उसके बाद में उसका जो भी कमीशन बन रहा हो वहाँ पर तुरंत वहाँ पर सोना चाहिए। इस तरीके से इसके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा ये मिल आपको यहाँ पर ये इमित्रा का डैशबोर्ड पर ही आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा ये एयर पे व्यापार जो भी यहाँ पर डैशबोर्ड है इस तरीके से ए पी एस है, तो इसमें यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर यही इसी पेज पर आपको ये सर्विस आपको देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ये सर्विस इस तरीके से नहीं है। जो आपका पैसा ये आपको सोना ही होगा आपके पर अगले दिन यहाँ पर बैंक में यहाँ पर ट्रांसफर होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर इस तरीके से इसमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये सर्विस थोड़ा सा यहाँ पर हटके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। इस तरीके से सारा का सारा मैंने आपको प्रोसेस आपको बता दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को। धन्यवाद।